बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीती रात एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई। जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक की घटना है, बीती रात एक बार फिर पत्थरबाजी जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जहांगीरपुरी आपको याद है, आपसे कुछ दिनों पहले हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पत्थरबाजी की गई थी, उस वक्त काफी बवाल हुआ था। एक बार फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी की यह घटना जहां पर बीती रात पत्थरबाजी हुई उसका यह सीसीटीवी वीडियो है। एक शख्स इस पर नजर आता है, पत्थर फेंककर वहां से भागता है, वहां से फरार हो जाता है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है, पत्थरबाजी का वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना है, जहांगीरपुरी का जे ब्लॉक ये बताया जाता है। पत्थरबाजी करने के बाद कुछ और लोग वहां पर आते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये लोग यहां पर इस तरह से पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे और किस जगह पर ये पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन सीसीटीवी में यह पत्थरबाजी का वीडियो रिकॉर्ड जरूर हुआ है, इसकी जांच जरूर की जाएगी। दिल्ली का जहांगीरपुरी उस वक्त चर्चा में आया जब हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली थी उस पर पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद वहां पर एमसीडी का बुलडोजर भी चला था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई, सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग नजर आ रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए। ये लोग कौन हैं, ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे, पत्थरबाजी की वजह क्या बनी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतनी जानकारी जरूर सामने आई है कि गाड़ियों के शीशे इस दौरान टूटे हैं। और इस खबर पर करते हैं बात, राजूराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजूराज, एक बार फिर से पत्थरबाजों ने यहां पर हमला किया है, माहौल कैसा जहांगीरपुरी का बताएं। बता दूं कि निधि, जहांगीरपुरी में कल रात लगभग 10:45 पर यह घटना घटी। चूंकि जहांगीरपुरी का आई ब्लॉक है, वहां पर मतलब कुछ बदमाश तरीके के कुछ असरार्थी तत्व वहां पर लगातार रहते हैं और उन्होंने ही, उनका पहले झगड़ा हुआ था जिसमें से जहीर और समीर नाम के दो लड़के थे, उनका दूसरे गुट के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच कल रात दूसरे गुट वालों ने उनके घर के पास पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में लगभग 3 गाड़ियां डैमेज हो गई। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले में 2 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चूंकि जहांगीरपुरी की घटना उस समय सुर्खियों में आई थी जब रामनवमी के टाइम पे वहां पर जो शोभा यात्रा निकली थी उस समय पथराव हुआ था, कॉमिनल एंगल सामने आया था और इसके बाद लगातार जहांगीरपुरी में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। संवेदनशील इलाका के तहत वहां पर देखा गया था कि काफ़ी संख्या में फोर्सेस लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। वहीं दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में ऑफिशियल वर्जन यह है कि 2 गुटों के बीच झगड़ा है अपनी दबंगई को लेकर, और यही वजह है कि जो दूसरा पक्ष कल रात 10:45 पर वहाँ पर पहुँचा है और वहाँ पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके घर के बाहर पत्थरबाजी की है और इस पत्थरबाजी में कुछ गाड़ियां डैमेज हुई है और पुलिस मौके मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची है, पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया और कहीं ना कहीं पूरे मामले को शांत किया गया। इस पूरे मामले में 2 लड़कों को हिरासत में ली गई है। अब पूरे मामला जाँच के विषय है कि क्या सिर्फ दबंगई की वजह से ये पत्थरबाजी हुई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, तमाम मामलों की जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जो आया है उसके मुताबिक 10:45 पर यह घटना घटी थी। जहीर और समीर नाम के जो लड़के थे उनका कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी का बदला लेने के लिए कल जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में पत्थरबाजी की घटना हुई है। पूरे मामले राजू, अब ये पत्थरबाजी तो हो गई, ये पत्थरबाजी तो हो गई, लेकिन अब क्योंकि सेंसिटिव इलाका है, अब से कुछ समय पहले ही यहाँ पर इतने हालात खराब हुए थे, अब आगे यहाँ से और हालात खराब ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस क्या एहतियात बरत रही? देखिए, कल रात से ही जैसे ही घटना घटी है, चूंकि जहांगीरपुरी और महिंद्रा पार्क का इलाका पड़ता है, कुछ इलाका जहांगीरपुरी का जिस जगह पर घटना घटी है वो महिंद्रा पार्क इलाके का है, महिंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस घटना के बाद तुरंत वहां पर एहतियात के तौर पर फोर्सेस बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा पुलिस बल को तैनात किए गए ताकि दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। लेकिन पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि यहां पर किसी तरह का कॉमिनल एंगल इस पूरे मामले में नहीं है, 2 गुटों के बीच आपस का झगड़ा है और अपनी दबंगई दिखाने के लिए इस तरह से पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी के दौरान
वहाँ पर जो सड़कों पर गाड़ियाँ लगी हुई थी, जिसमें 3 गाड़ियाँ डैमेज हुई है और ये पत्थरबाजी काफ़ी दूर से भी की जा रही थी। लगभग 500 मीटर का एरिया है, वहाँ तक ये पत्थरबाजी की रही थी। कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनके हाथों में हथियार भी थे और तलवार भी थे। तो ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़कों को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस पूरे मामले में 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया। तो पुलिस की कोशिश ये है कि जो पत्थरबाजी की घटना घटी है आगे नहीं बढ़े, इसलिए पूरे इलाके में फोर्स को तैनात कर दिया गया है।